राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में स्क्रब टाइफस नाम का वायरल इन दिनों उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बच्चों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। और डराने वाली खबर यह है कि राजधानी दिल्ली में भी अब ये वायरल दस्तक दे चुका है। बता दें कि दिल्ली के दो अस्पतालों में स्क्रब टाइफस के केस मिले हैं, जिनका इलाज इस समय चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय और आकाश हेल्थ केयर में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक जिन बच्चों में स्क्रब टाइफस के केस मिले हैं उन्हें करीब दो हफ्ते तक बुखार रहा और बाद में जब ब्लड टेस्ट किया गया तो स्क्रब टाइफस का पता चल पाया। आपको बता दें कि स्क्रब टाइफस डेंगू की तरह एक वेक्टर बॉर्न बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है, तो वहीं लोगों में चिगर्स यानी लार्वा माइट्स के काटने से ये वायरल लोगों में फैलता है। बात की जाए स्क्रब टाइफस के लक्षण की तो लार्वा माइट्स के काटने के 10 दिनों के अंदर स्क्रब टाइफस के लक्षण दिखने लगते हैं, जिसमें मरीज को बुखार, नाक बहना, सिर दर्द, शरीर की मांसपेशियों में दर्द, चिड़चिड़ा होना और शरीर पर चकते पड़ने लगते हैं। बता दें कि स्क्रब टाइफस बच्चों पर अपना कहर बरपाता है। ऐसे में इस खतरनाक वायरल से बच्चों को बचाने के लिए बच्चों के पेरेंट्स को गंदगी वाली जगहों पर बच्चों को जाने से रोकना, घर के आसपास सफाई रखना, बच्चों के हाथ पैर ढककर रखना और संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। और सबसे डराने वाली बात तो ये है कि स्क्रब टाइफस की ना कोई खास दवाई है और ना ही वैक्सीन है। ऐसे में इस वायरल से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति से उचित दूरी और हाथ पैर ढककर रखना ही एकमात्र उपाय है। आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर राज्यों में ये वायरल अपनी जगह बना चुका है। ऐसे में अब इसकी दस्तक दिल्ली में भी हो चुकी है। देखना ये होगा कि इस वायरल से बचने के लिए दिल्ली में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक।